जो अपने भर के देते वही वाला रहता है हमारे यहाँ। प्रयागराज में घर के अंदर मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील की संदिग्ध अवस्था में लाश। घर के कमरे में मृतक वकील की लाश सड़ी गली अवस्था में मिली है। वकील की मौत का पता तब चला जब घर में टिफिन सर्विस वाला अपने पैसे लेने गया था। वकील अपने घर में अकेले रहता था। मौत की खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मौत की वजह जानने में जुट गई। पुलिस मौत की वजह करंट लगना बता रही है। मामला प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के कालिंदीपुरम मोहल्ले का है। अमरेंद्र कुमार पत्नी से अलग रहते थे। अमरेंद्र की मौत का पता तब चला जब टिफिन सर्विस वाला अपने पैसे लेने आया था। दो दिन से कोई हलचल भी नहीं हुई थी। टिफिन सर्विस वाले ने मौत की बात पुलिस को बताई तो मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और मौत की वजह जानने में जुट गए। हाँ, ये एडवोकेट हैं अमरेंद्र कुमार सिंह साहब, और ये सूचना प्राप्त हुई थी अभी कि ये मृत पाए गए हैं अपने घर पे, तो तत्काल हम लोग यहाँ आ गए थे। और ये इनके घर के बाहर जो पेपर पड़ा हुआ है वो 29 और 30 तारीख का है, इसका मतलब 28 की रात की घटना होगी क्योंकि डेड बॉडी काफ़ी फूल गई है। फिलहाल ये जो अभी प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा है उसमें ये लग रहा है कि इनका एक जो इलेक्ट्रिक का वायर है उसमें पैर इनका फंसा हुआ है और पीठ के बल गिरे हुए हैं, सर से जो है इनके ब्लड निकल रहा है। तो बाकी पोस्टमार्टम के बाद जो स्थिति है चोटों की वो क्लियर होगी। इनके घर पे इनके अलावा और कोई नहीं रहता था, ये अकेले रहते थे। पत्नी और बच्चे लगभग एक महीने से कहीं बाहर रह रहे हैं। तो पूरी घटना को हम लोग बारीकी से देख रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम हमारी आई हुई है और हम इसकी पूरी वीडियोग्राफी करा रहे हैं, पूरे मौके को देख रहे हैं। कमरे में फिलहाल कोई ना तो सामान अस्त व्यस्त हुआ है, इनका मोबाइल फ़ोन यहीं मौजूद है, वैलेट इनका मौजूद है, तो अन्य कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो पूरी घटना को हम लोग बारीकी से देखेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो कुछ आएगा उसके अनुसार हम अगले करा रहे हैं। वकील की मौत की खबर सुनकर लोगों की भीड़ लग गई। फिलहाल लाश के सर के पास काफ़ी खून बहा दिखाई पड़ा और पैर बिजली की तार से लिपटा था। अब वकील की मौत कैसे हुई इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस अभी इसे करंट से मौत बता रही है। पुलिस ने वकील के घर वालों को बुलाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।